जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में योगा मनाया जा रहा है और गालिबन 2015 से बैनुल अक्वामी सतह पर 21 जून को योगा मनाया जाता है। योगा हिंदुस्तान की पहचान है या यूँ कह सकते हैं कि हमारे तहजीब का हिस्सा रही है, इसीलिए हुकूमत हिंद के इस डायरेक्शन को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी भी 2015 से ही योगा डे मनाती आ रही है। इसी ज़िम्न में आज भी योगा डे पर योगा उत्सव का अहतमाम यूनिवर्सिटी में किया गया है। मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर आली जनाब प्रोफेसर शकील अहमद साहब का, हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर एम ए सिकंदर साहब का और खसूसी तौर पर पतंजलि योगपीठ से आए हुए मेहमानान और योगाचार्य आली जनाब पंडित रामावतार तिवारी जी का, जो कई सालों से हमें यहाँ इस मौके पे योगा करके हमें सरफराज करते हैं, हमें योगा के बारे में मालूमात देते हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ इस योगा कमेटी के चेयरमैन हमारे यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर रहमतुल्ला साहब से कि सर आज के मौजू पर हमें थोड़ा सा रोशनास कराएं और आज ये यूनिवर्सिटी किस तरह कर रही है इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। प्रोफेसर एसएम रहमतुल्ला साहब, सदर जलसा, प्रोफेसर शकील अहमद साहब प्रो वाइस चांसलर, मेहमान खसूसी डॉक्टर एम ए सिकंदर साहब और मेहमान एजाजी श्री रामावतार तिवारी जी और उनके साथी मैडम यफ़ो, मैडम यफ़ो से गुजारिश है कि वो डैस पे तशरीफ़ लाएँ। मज़स रफ़काए कार, अजीज़ तुलबा व तालिबात, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। हाजरीन, आज का ये जो दिन है ये अखवाल का नहीं है बल्कि अफ़वाल का है, बातें करने का नहीं है बल्कि काम करने का है। अब चूँकि अफ़वाल की इफादियत को ज़ाहिर करने के लिए अखवाल भी ज़रूरी होती हैं, इसलिए मैं सिर्फ़ एक जुमला कहना चाहूँगा, मुल्क की तरक्की का दारोमदार वसाइल पर होता है और वसाइल में सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल इंसानी वसाइल होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं। इसीलिए हुकूमत हिंद ने यह फैसला किया है कि ह्यूमन रिसोर्सेस को सेहतमंद रखने का एक ज़रिया योगा है, इसको अपनाया जाए, इसकी तरगीब तहरीक लोगों में पैदा किया जाए, खुसूसन तालीमी इदाराजात से इसकी तहरीक हो ताकि ये तहरीक आम होते हुए समाज में भी फैले और एक सेहतमंद हिंदुस्तान की तश्कील अमल में आए ताकि हिंदुस्तान दीगर ममालिक से मुसाबिकत में हिस्सा लेते हुए हर मैदान में आगे बढ़े। तो इस मकसद के पेश नज़र इस प्रोग्राम को लागू किया गया और इसका इनेखाद हमारी इस यूनिवर्सिटी में अमल में लाया जा रहा है। तो मज़ीद ताखिर ना करते हुए कन्वीनर फरियाद साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मैं एक बात वाजे कर दूं कि इस प्रोग्राम के बाद अभी योगा पे जो छोटा सा लेक्चर भी होगा, डेमोंस्ट्रेशन होगा, हम सब योगा करेंगे। योगा करने के बाद एक दूसरा सेशन शुरू होगा जहाँ पर हम रिफ्रेशमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कॉम्पिटिशन्स करेंगे और ये ओपन टू ऑल है, यूनिवर्सिटी का या यूनिवर्सिटी के बाहर का कोई स्टूडेंट, कोई स्टाफ या कोई भी शहरी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन है, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है, स्केच कॉम्पिटिशन है, वो दूसरे सेशन में करेंगे ये मुकम्मल हो जाने के बाद। मैं अब बहुत ज़्यादा ताखीर न करते हुए सर की इजाज़त से मैं हमारे मेहमानान से कहूंगा कि आज जिस मकसद से हम जमा हुए हैं उस मकसद को पूरा करें। पंडित रामावतार तिवारी जी जो योगाचार्य हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि योगा को पूरी दुनिया से में पहुंचाने वाले, योगा को तो लोग जानते हैं, एक अरसे से जानते हैं और हिंदुस्तान की तहजीब का जैसा कि हम सब जानते हैं हिस्सा रहा है, लेकिन आचार्य रामदेव जी ने इसको काफ़ी पॉपुलर बनाया और पब्लिक में पहुँचाया है, उनकी ही जो उनका ही इदारा है पतंजलि योगपीठ, और हमारे जो मेहमान हैं वो खास तौर से अवार्डी हैं जिन्हें रामदेव जी ने खुद अवार्ड दिया था योगा में कंट्रीब्यूशन के लिए। और इत्तेफाक है कि इनके दूसरे साथी जो हमारे दरमियान हर साल होते हैं डॉक्टर रमाकांत साहू जी, आज किसी वजह से यहाँ नहीं हैदराबाद में, उड़ीसा गए हैं, वरना बहुत अच्छी दोनों लोगों की जोड़ी होती थी और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन भी बहुत डिटेल में होता था। मैं ताखीर न करते हुए हमारे मेहमान रामावतार तिवारी जी से दरख्वास्त करूँगा कि इस मौजू पर 5 मिनट हमें मुखातिब करने के बाद डेमोंस्ट्रेशन कर दें ताकि हम शुरुआत करें। पहले डेमोंस्ट्रेशन,
کچھ انسٹرکشن اگر آپ کے ہیں تو آپ بتا دیجئے، اس کے بعد پھر ہم شروع کر دیں گے۔ وہ سب سے پہلے میں سوامی گرو بابا رام دیو کو میرا دل سے پرنام۔ یوگا اپنی جیون کی پدھتی میں سب سے پہلے ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میں دن کی دنچریا اٹھنے سے لے کے رات میں سونے تک برابر ہونے چاہیے، اور اس میں جو بھی اپن ابھی یوگا میں اور کچھ بتاؤں گا میں آپ کو، تو اس میں صبح اٹھتے کیا کرنا ہے اور بعد میں اپن جیسے اپنی دنچریا کے حساب سے اسکول جاتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ حساب سے سب الگ الگ ہوتا ہے۔ یوگا کے لیے اب رام اوتار تیواری جی آپ کے سامنے آئیں گے اور ان کی ٹیم، ان کے ساتھ ساتھ وہ جیسا آپ کو انسٹرکشن دیں گے آپ بھی اس کو فالو کریے، پہلے وہ خود بھی کر کے دکھائیں گے ہے نا آپ کو، اس کے بعد آپ اسے کریں گے۔ میں درخواست کروں گا ہمارے پتنجلی کے دوسرے ساتھیوں سے کہ تیواری جی کو جوائن کریں، تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے یوگا شروع کرنے سے پہلے، وہ آپ سے کرانا چاہتے ہیں۔ موٹی بند کر کے گھماتے رہیے گا، گول گھماتے رہے، گول گھماتے رہے، ابھی اوپر نیچے کی طرف کریے گا۔ صبح اٹھتے ہی اپن سب لوگ کو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، جتنا ٹائم ملے اتنا اپنے کو یوگا کرنا ہے، کثرت کرنی ہے، ویام کرنا ہے، پرانایام کرنا ہے۔ ہاتھ کو مٹھی بند کرے کھولے، بند کرے کھولے، اس طرح سے ایکسرسائز، یہ ہاتھوں کی ایکسرسائز ہے۔ ہاں، ہاتھوں کو اٹھا کے کندھوں کو لگائے، پھر کھولے، سیدھا کریں، پھر کندھوں کو لگائے، پھر سیدھا کریں، اسے کرتے رہیے پانچ دس بار جتنی آپ کے پاس فرصت ہے۔ ابھی گول گھمائے ہاتھوں کو، چاروں طرف راؤنڈ گھماتے رہیے، گھماتے رہیے، گھماتے، یہ ہارٹ کے لیے بہت ہی اپیوگی ہوگا۔ گول گھمائیے، جتنا اپنے پاس میں ٹائم رہے اس کے سہولت کے حساب سے اپن وہ کرنا ہے، کسی کو زیادہ ٹائم دینا ہے، کسی کو کم دینا ہے۔ پرنتو پہلا سکھ نروگی کایا، تو سوستھ رہنے کے سیدھا سیدھا کریے گا، لیفٹ ہینڈ میں گھمائیے، جتنا ہو سکے اتنا بیک جائیے، پھر واپس سیدھا آئیے، پھر رائٹ ہینڈ کی طرف گھمائیے۔ کوئی شریر کے ساتھ زبردستی نہیں ہونی چاہیے، جتنا ہو سکے آسانی سے کریے۔ پھر آپ پاؤں نیچے، ہاتھ نیچے کریے، ہاتھ کو اٹھا کے کمر کے پاس لگائیے، آدھا نیچے بیٹھے بیٹھے بیٹھے، ہاں، پھر واپس کھڑے ہو جائیے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہو جائیے، پاؤں پھیلائیے، ہاتھ پھیلائیے، پاؤں پھیلائیے، ہاتھ پھیلائیے، اچھلیے، واپس آئیے، پاؤں پھیلانا، ہاتھ پھیلانا، اچھلنا، واپس آنا۔ ہاں، ابھی دائنی طرف مڑ جائیے سب لوگ، رائٹ ہینڈ پاؤں کو چھوتے ہوئے لیفٹ ہینڈ اوپر کی طرف کرتے ہوئے واپس واپس اسی، ہاں، سیدھے ہو جائیے، پھر رائٹ ہینڈ کی طرف مڑیے، ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ میں لگائیے، سیدھا ہاتھ رکھیے گا، اور ہو سکے اتنا کرو، پھر واپس وہی استھتی میں آ جائیے۔ ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے اوپر جائیے، سانس کو بھرتے ہوئے پیچھے مڑنا ہے، سانس کو بھرتے ہوئے پیچھے جائیے، جتنا ہو سکے اتنا جانا، زبردستی نہیں کرنا شریر کے ساتھ میں۔ جو ریگولر کرتا ہے وہ تو کتنا بھی کر سکتا ہے۔ نیچے مڑیے گا، پاؤں کو ٹچ کریے ہاتھ، پھر واپس سیدھے، دھیرے 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 سانس کو بھرتے ہوئے بیک سائڈ جائیے، پھر واپس نیچے کی طرف، سانس کو نکالتے ہوئے نیچے کی طرف جائیے، واپس سے ہی اپنی استھتی میں آ جائیے، ہاتھ سیدھا کھڑا کریے سامنے، لیفٹ ہینڈ میں گھمائیے، پھر رائٹ ہینڈ میں گھمائیے، پھر لیفٹ ہینڈ میں گھمائیے، پھر رائٹ ہینڈ میں گھمائیے، پھر لیفٹ ہینڈ میں، رائٹ ہینڈ میں، لیفٹ رائٹ، لیفٹ
right, left, right, left, right, left, right, left, right. हाँ, पांव को फैलाते हुए अंगूठों को दोनों को मिलाए, एड़ियों की दूरी बनाए रखते हुए अंगूठों को नीचे जमीन तक जाने दें। हाँ, अपने फेफड़ों के लिए मजबूती के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं इसको। सांस को अंदर खींचिए, फिर बाहर छोड़ दीजिए। ध्यान मुद्रा, अंगुली को अंगूठे से लगा के घुटनों पे सीधा हाथ रखिएगा, ऐसा हाथ रखना, ऐसा ऐसा। जिस जो चीज़ नियम कानून कायदे भरो या फेफड़े में भरो, भरते हुए सांस को रोक के रखो, फिर धीरे 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 सांस को वापस छोड़ो। ये प्राणायाम बहुत स्वास्थ्य के लिए, मेन फेफड़ों के लिए बहुत लाभकारी है। जितना हो सके उतना टाइम, 3 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करे तो भी ठीक है, 5 मिनट कंपलसरी है। सांस को फेफड़ों के अंदर से बाहर फेंकना है, चटके से बाहर फेंकना है। जो भी अंदर का ये पर्यावरण का प्रदूषण है, धुआं है, कचरा है, डस्ट है, सांस को लेते समय जब भी अंदर वो जाता है ना, उसको वापस बाहर फेंकने के लिए ये सबसे बढ़िया प्राणायाम है। अंदर की हवा को बाहर की तरफ फेंके, इससे अपने फेफड़ों की सफाई होती है और नई ऑक्सीजन अंदर जाती है। पुरानी ऑक्सीजन है, सड़ी हवा है, वो बाहर निकलती है। जिसको सांस की तकलीफ है उसके लिए ये सबसे बढ़िया कारगर उपाय है। भोजन करने के बाद में अपन थोड़े बहुत बैठते हैं, किसी को ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा बैठता है, किसी को कम टाइम है तो कम बैठता है। वज्रासन में बैठे 2 से 5 मिनट तो अपना भोजन का क्या है, अच्छे से हजम होता है और पेट साफ रहता है, स्वस्थ रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है शरीर की सबसे अच्छी पेट ही है। हाँ, दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए पेट की तरफ टच करें। हाँ, नीचे झुकते हुए मुंह सीधा रखना, सामने की तरफ देखते हुए रहना है, नज़र सामने होनी चाहिए। हाँ, जितना हो सकता है उतना झुक जाइए, नज़रें सामने रहिए, सिर उठा हुआ रहना, सिर को जमीन पे टच ना करें, सिर को ऊपर रखें और सिर को उठाते हुए नज़रें सामने की तरफ रखें। कई कई भाई लोग हैं जो पूरा मुंह नीचे टच कर देते हैं, कई सही करते हैं। हाँ, पूरा श्वास अंदर का पूरा, हाथ को फैलाते हुए टच कर दो पेट को, फिर नीचे झुको, श्वास को बाहर निकालते हुए नीचे की तरफ जाइए और जितना हो रुक सकते हो उतना रुक के रहिए। नहीं रुक सकते तो वापस आप ही सीधे हो जाइए, ऊपर की तरफ उठे, फिर उठिएगा। हाथ को ऊपर सीधा करो, फिर नीचे की तरफ सांस को निकालते हुए जमीन को टच करो। हाँ, हम इसमें इस आसन में आप सिर्फ नीचे टच कर सकते हो जमीन को, फिर वापस सांस को निकालते हुए नीचे की तरफ आए। कोई जबरदस्ती नहीं करे, जितना रुक सकते उतना रहे, फिर उठ जाइए यथास्थिति में। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसके लिए ये बहुत कारगर है। राइट हैंड को राइट हैंड की तरफ घुमाते हुए टच करें, पीछे देखिए, वापस सीधे हो जाए। सांस अंदर देते हुए आवाज करें और फिर उसको सांस को अंदर जाने दे, रोक के रखे और मुंह को नीचे की तरफ टच करें। वापस इसी तरह ध्यान में बैठे।
ध्यान मुद्रा में। श्वास को अंदर भरते हुए नीचे की तरफ थोड़ी को नीचे टच कर दें और नीचे की तरफ देखें और पेट को जितना हो सके उतना अंदर की तरफ खींचे, खींच के रखें, फिर सीधे हो जाइए। सांस को बाहर छोड़ते हुए ऊपर उठिए। यह उजेय प्राणायाम, सांस जब छोड़ेंगे एक नाक बंद करके दूसरे नाक से छोड़ेंगे। सांस को अंदर भरते हुए फेफड़ों में और सांस को फेफड़ों के अंदर भरे और पेट को पीछे की तरफ चिपकाए, फिर ये नीचा करके नीचे की तरफ झुके। जितना आपका प्रैक्टिस है उतना रोके, फिर वापस सीधे हो जाइए। नीचे का मूल बंद भी बंद होता है, ये पाइल्स के लिए स्पेशल प्राणायाम है। ये पाइल्स के लिए ये प्राणायाम था, अब आपको जो बताया है पाइल्स के लिए। थायराइड के लिए भी स्पेशल प्राणायाम है। जिनको थायराइड है उसके लिए ये आसन बता रहे हैं योगाचार्य जी। एक नाक बंद करेंगे, सांस को अंदर खींचिए, जितने देर में सांस अंदर ले रहे हैं उतने ही देर सांस अंदर रोके रहिए और उतने ही वक्त बाहर निकालने में लगाइए दूसरे नाक से। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया आप दोहराते जाएंगे। ये उन लोगों के लिए खासतौर से फायदेमंद है जिन्हें थायराइड डिसऑर्डर है। गले से आवाज निकाल के आप दहाड़ेंगे। अंगूठा कान के लौ के पास, और इस तरह की आवाज निकालें। पहले अपन सांस को पूरा, सांस पूरा अंदर भर देंगे, मन की शांति के लिए, सुकून के लिए ये बता रहे हैं। हाथों को ऊपर करिए और दोनों हाथों को ऐसे रगड़िए। चेहरे पे यूं मलेंगे, और आंखें भी उसके बाद खोलेंगे। इसमें आपको हंसना है और अंदर से हंसना है, मन से हंसना है। घंटे एक साथ बैठते हैं तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। उन चीजों से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के आसन करने चाहिए, ये थोड़ा बता दें। सबसे पहले अपन जो भी समय उठते हैं उससे एक घंटा पहले उठना है, जो समय उठते हैं उससे एक घंटा पहले उठना है। उसमें अपन पूरा शरीर के ऊपर ध्यान देना है। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है सभी को, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, रोज उठते ही
एक गिलास दो गिलास पेट भर के पानी पियेंगे और नहाने के बाद में एक गिलास पानी पियेंगे, दिन भर में आपकी ऊर्जा मजबूत रहेगी। और जब भी खाना खाने के बाद में आधा घंटे से एक घंटे के बाद में पानी पियेंगे, खाना चबा चबा के खाएंगे। और खाना खाते ही, जैसे दोपहर में अपन खाना खाते ही सोते हैं, पतला आदमी तो फिर भी चलेगा, सो सकते हैं, लेकिन जिनको मोटापा नहीं बढ़ना है वो खाना खाते ही सोना नहीं है। जैसे रात का भोजन स्पेशल, उसमें अपन सोने से पहले चार घंटा पहले खाना खाएंगे, वो फिर बाद में एवरेज एक घंटे के बाद में पानी पियेंगे। जब भी अपन एक ऑफिस में या जिनका मोटापा कम करना है वो गर्म पानी पिए तो अच्छा रहता है। सबसे पहले अपन उठने से लेके सोने तक दिन की दिनचर्या ये होनी चाहिए। फिर बाद में है योगा, कि उठेंगे एक घंटा जल्दी उठेंगे तो योगा करेंगे ना, तो दिन की दिनचर्या अपने उठने से चालू होती है, फिर है योगा, फिर यदि कोई अपन को तकलीफ है तो फिर बाद में है मेडिसिन, फिर दवा का सहारा ले सकते हैं आप। धन्यवाद। थोड़ा सा एक चीज़ ये पूछना था कि जो आठ घंटा लगातार चेयर पे बैठ रहे हैं, बैठे बैठे भी क्या कुछ कर सकते हैं? अभी कोई किसी को समझो कोई बीमार आदमी है या मोटापा है, वो ऐसा सहारा लेके भी बैठ सकता है, कपालभाति कर सकता है, अलोम विलोम प्राणायाम कर सकता है। कपालभाति, एक झटके से नाक से हवा बाहर निकालना, आपको सांस वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सांस अपने आप आ जाएगा, खाली एक झटके से हवा बाहर निकालनी है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या है वो एकदम धीरे धीरे करेंगे, एक सेकंड में एक बार। जिनका बीपी लो रहता है वो स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो धीरे से करनी पड़ेगी। और फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये चक्रव्यूह चलता रहेगा। आपके सामने अभी योगा का डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे राम मातार तिवारी जी। इस बार एक कमी खली डॉक्टर साहू जी की, जो अक्सर ऐसा होता था कि साहू जी वैद्य भी हैं और सारी चीज़ें कराते थे, इत्तेफाक से वो इस बार नहीं हैं, तो राम मातार तिवारी जी और उनकी टीम पे ही सारी जिम्मेदारी आ गई। वो हमेशा क्वेरीज वगैरह की को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते थे। ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि योगा का जो ये जो सिलसिला है ये ख़त्म ना हो, आइंदा दिनों में भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की चीज़ें की जाएं, योगा को और फैलाया जाए और योगा के ज़रिए सेहतमंद रहने की जो भी कोशिश है वो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में की जाए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए या टीचर्स के लिए।